बरकातो, तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत होंगे। तो जी आज मेरा व्लॉग रिएक्शन वीडियो इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि मैं सो गई थी। अब बात करते हैं हमारी बोलो ये हमारे आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे घूम रही है। कल जो है कल के व्लॉग में वो अपने एक लौते मामा के घर पे गई थी, जो एक लौते बच्चे हुए हैं, वैसे तो छः है उन्होंने बोला। तो वहाँ पे जाके वो एल्बम दिखा रही थी उसके बच्चों का बर्थडे का, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे उसकी माँ भी थी, मामू भी थे, हर कोई था। तो वो जो है एल्बम वो दिखा रही थी ये, और खुद ब खुद झूठ बोलती है, फिर अपने झूठ पे वो खुद फंसती है। अब ये जानबूझ के बोलती है कॉन्ट्रोवर्सी के लिए या फिर वो बोल के भूल जाती है, मुझे ये पता नहीं चलता है। क्योंकि अब दो दिन पुराना व्लॉग अगर आप रिवाइंड करोगे, उसने बोला कि अयूब जब से मुझे मिला है, गुनो वो अगरबत्ती का ठीक कर बेटा, अयूब जब से मुझे मिला है तब से मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, 10 साल समथिंग लाइक दैट, 10 साल उसने मेंशन किया था, ठीक। लेकिन जो कल के व्लॉग है, कल के व्लॉग में वो बोल रही थी कि जब उसका शायद भाई का पोता शायद एक बच्चा जो उसकी कोख में था जब उसकी माँ प्रेगनेंट थी, जब वो प्रेग्नेंट थी वो तब आई थी 6 साल पहले। तो ये मुझे ये समझ नहीं आता कि जानबूझ के उसका झूठ पकड़ने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए झूठ बोलती है कि ये बोल के भूल जाती है, उसकी आदत है बात बात पे झूठ बोलना। लेकिन जो भी हो झूठ तो ये बोलती है, बेतहाशा ये झूठ बोलती है। मतलब दो व्लॉग में दो तरीके की किस्म की स्टेटमेंट वो देती है। कभी बोलती है कि अयूब से जब बातचीत हुई तब से मेरा यहाँ पर आना नहीं हुआ, मैं प्लान कर रही थी ऐसा वैसा, फिर कर बोलती है 6 साल पहले ही मैं आके गई थी, गांव आके गई थी। तो ये पहला झूठ हुआ। अब दूसरी बात करें कि एक कहावत है ना, एक कहावत ये मैंने बनाया है हमारी आंटी जी के लिए कि वंस इन अ कोठेवाली विल ऑलवेज बी अ कोठेवाली। क्योंकि इसकी जो हरकत है ना, वही हुक्का पीने का, बच्चों में गलत आदत डालने का, बच्चों के साथ जो है गलत ट्रीट करने का, वो हर जगह पे सेम होता है। वो जब सूरज जाती है तभी उस घर में जो है ना हुक्का पीती है, अय्याशी करती है, बदतमीजी करती है। जब वो यहाँ पे आई, हिंदूपुर में आई, आंध्रा, वो बेंगलोर तो जपती रहती है, हालाँकि वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, बेंगलोर का जो है ना कर्नाटक का और आंध्रा का बॉर्डर है वो। एनीवेज तो वो वहाँ पे भी हुक्का ही मार रही थी, इतनी बेहुदा औरत है, ये नहीं सोचती कि भाई मामा का घर है, माँ की पहचान है, मैं यहाँ पे ये सब हरकतें करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे। वो खुद ही बोली थी ना कि मेरे घर गांव के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खुद की शर्तों पे जीते हैं, खुद का खाते, बुढ़े को वो ताना मार रही थी। तो ऑफकोर्स गाँव के लोग बहुत सीधे ही होते हैं और है भी, और बहुत मेहनत करके खाते होंगे, लेकिन तेरी तरह कम से कम जो है ना बेहुदा बदतमीज़ औरत तो नहीं है। एक होता ना कि चलो ठीक है भाई, बहुत लोगों की बहुत सारी आदतें होती है, लेकिन कम से कम बड़े बुजुर्गों के सामने वो आदतें लोग जो है ना वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो नहीं करते। अगर कोई मान लो किसी का स्मोकिंग का आदत है, जैसे हम पहले जाते थे हमारे नानी के घर में, स्मोकिंग का, मेरे डैड को, मेरे पापा को स्मोकिंग का आदत था, तो मेरे पापा रात को खाना वाना खाने के बाद बाहर, गेट से भी बाहर आके, उधर एक तालाब था, तालाब के साइड में खजूर का पेड़ था, वहाँ पे जाकर सिगरेट पीते थे। तो मेरे खाला लोग बोलते थे कि शक्ति नाम था मेरे बाप का, तो बोले कि शक्ति आप बाथरूम के साइड पर पी सकते हो, बोले नहीं नहीं माँ है, एक माँ है, हर किसी की एक आदत होती है। सोचो मेरा बाप मर्द था, सिर्फ मेरा बाप नहीं, बहुत सारे मर्द ऐसे करते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता ना कि भाई आदत, बहुत सारे लोगों में बहुत तरीके आदत होती है, लेकिन वक्त और जगह देख के वो आदत जो है ना वो चेंज करना चाहिए लोगों को। ये इतनी बेहुदा औरत है, हर जगह पे जाएगी, वहाँ के बच्चों को ख़राब करेगी, हर जगह पे जाएगी, उस घर को कोठा बना देगी, उस घर में नाच गाना शुरू कर देगी, वही वही गंदगी वाली आदत, हर जगह जाएगी हुक्का पीने लग जाएगी। सोचो वो हिंदूपुर से हुक्का लेके वो पता नहीं कहाँ कहाँ वो ट्रेवल कर रही होगी, ये इतनी घटिया औरत है। तो वो कहावत आंटी जी के लिए जाता ही जाता है कि वंस इन अ कोठे वाली विल ऑलवेज बी अ कोठे वाली। और गांव के लोग सच में जो है ना भोले भाले होते हैं, लेकिन गांव के लोग तुम्हारे जैसा तो नहीं होते हैं, तवायफ मुजरे वाली जैसा गांव के लोग भोले वाले, तुम अप ये गांव से। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें होती जो मुझे बोलने होती, ये बोलती ये मेरा गांव है। अब बस जैसे कि फाइनली इस बात पर मैं आती हूँ, पहले बूढ़े ने बोला कि ये मेरे अपने रिश्ते हैं, कुछ रिश्तों को तो मतलब पैसों का रिश्ता था, ऐसा था वैसा था। अब बूढ़े ने जब बूढ़ी को मारे लात, तो बूढ़ी की जीभ पे आग लगी, अब बूढ़ी के जो है ना मुख खुल रहे हैं। चलो फाइनली बूढ़ी ने एक्सेप्ट तो किया कि ये भारे का पति और भारे का फैमिली था। जब हम बोल रहे थे कि ये भारे की फैमिली है और ये भारे का पति है, तब तो वो बड़ी चीख चीख के बोलती मैं इनके निके वाली औरत हूँ, मैं इनके निके वाली औरत हूँ। अब क्या हुआ, निके वाली औरत खुद बोल रही कि भारे का पति है,
चलो बाकायदा, फिर वो बोल रही है आप लोग समझ गए हो ना, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो सोच तो कितनी नीच औरत होगी कि खुद की खुशी के लिए, खुद के अय्याशियों के लिए तो फैमिली भाड़े पे हायर करती है, पैसा वेस्ट करती है बुढ़ापे में, खुद के पति बोलते हैं ना पति, एक पति रखने के लिए पति को हायर करती है पैसा देके, बेटे को ड्राइवर बना के। एक माँ जो बोलती है ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने मनमुँह का निवाला तक मैंने खिला दिया, जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है बच्चों की ज़िंदगी जो है ना संवारने के लिए, हम ऐसी औरतें हैं ना, आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारी औरतें होगी जो हम दो पैसे खुद के ऊपर नहीं लगाते, जो दो पैसे खुद के ऊपर लगाने भी होते हैं ना मैं सोचती हूँ यार मेरे ऊपर लगा के क्या करूँगी, मेरे को तो कोई ज़रूरत है भी नहीं। उस दिन हम गए थे मॉल पर बकरीद वाले थे नींबू का, भाई मैंने जूते देख रहे थे 200 रुपये वाला जूते, 299 का समथिंग था, 299 का था, बोले कि तुम्हारा जूता चप्पल अब नीचे से घिस गया तुम ले लो। मैंने बोला नहीं नहीं ये 300 रुपये 200-300 रुपये मैं अपने ऊपर खर्च करने से अच्छा मैं अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिला दूँ कुछ कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा क्या है भाई, हमारी शादी हो चुकी है, मियाँ हमको ऐसे ही देख रहा है, नंगे पैर में घर में घूमती हूँ मियाँ हमको ऐसे ही देखता है, तो हमको जूते जाते की ज़रूरत नहीं होती। हम बुरके वाली औरतें, हम बुरके के नीचे हमारा ढक भी जाता है, कौन देख रहा है, हमको पता है कि हमने क्या पहना है नहीं पहना, बाहर वालों को तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये कितनी नीच औरत होगी जो खुद की खुशी के लिए, खुद की बोलते हैं ना कि तरफ मिटाने के लिए वो फैमिली को भाड़े पे हायर करती है, वो पैसा वेस्ट करती है बेटों को ड्राइवर बना के, फिर बोलती है कि ये तो मेरे खून के रिश्ते हैं। भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि खून के रिश्ते तो बाप के साइड से होता है राइट। अब मान लो कि मेरे बाप के भाई या मेरे बुआ या मेरे बुआ के बच्चे जो भी है वो मेरे खून के रिश्ते होंगे, बुआ के बच्चे वगैरह भी खून के रिश्ते नहीं हो सकते क्योंकि उनका DNA भी अलग होगा, उनका खून भी अलग होगा। जो भी मेरे चाचा वगैरह होंगे वो मेरे खून के होंगे। खून की अगर बात करें तो एक बच्चे की रगों में उसका बाप का खून दौड़ता है, तो खून के रिश्ते वो होते हैं। मामा मामी वगैरह तो खून के रिश्ते नहीं होते क्योंकि का खून तो हमारा होता ही नहीं, माँ का सरनेम हमारा नहीं होता है। तो ये जो बार बार मेरा गाँव मेरे रिश्ते मेरे खून के रिश्ते जो ये कर रही है गाना गा रही है, भाई ये कौन से खून के रिश्ते हैं? मुझे थोड़ा प्लीज अगर मैं गलत भी हूँ ना तो भी आप मुझे सही करना, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है क्योंकि बचपन से हमने ये सुना है कि जो बाप के साइड को होता है वो हमारा गाँव होता है, जो बाप का सरनेम होता है वो हमारा होता है, जो बाप का खून है वो हमारा है, मतलब जो हमारा है वो बाप का ही हमारा है, नाना नानी के साथ हमारा वो नहीं हो, नाना नानी का घर हमारा जो भी है चलो ठीक है, माँ का मायका है उसका एक अलग ही लगाव है, पर वो खून का होता नहीं है। लेकिन ये बार बार बोलते खून के रिश्ते। तो अभी जब बुढ़े ने इसको लात मारी जीभे तब उसको मिर्ची लगी, अब जाके वो बोल रही कि भाड़े का फैमिली है, मतलब पैसों पैसा पैसों का फैमिली ऐसा है वैसा है। और ये वही औरत थी, दोगली औरत, झूठी औरत, जब बुढ़े के साथ वापस उसका पैचअप हुआ तब सोफे में बैठ के बुड्ढे को लेके बोल रही थी मेरा पति तो बहुत भोले हैं, मेरे पति तो मेरा शौहर जो है ये बहुत भोले हैं, वो सीधे हैं, वो मैं चालाक हूँ। मेरे शौहर तो लोगों की बातों पे आ जाते हैं, हमारे बीच में लोगों ने आग लगाई है, हमारे रिश्तों में दरार जो है वो लोगों ने लाया है, लोगों ने दूरियाँ फैलाई, मतलब हम यूट्यूबर सना भाभी इमरान भाई ये बाकी लोगों को बोल रही थी कि उसके शौहर तो बहुत भोले हैं, हमने आग लगाई है, हमने दूर किया है, हमने फलाना किया है, वो तो सच्चे दिल से बात करते थे लेकिन हम ही हैं जो रिकॉर्ड कर लेते थे। हालांकि उसका पति खुद हमको कंटेंट देता था कि बच्चा माँ आज तू ये बोल, बच्चा माँ आज तू वो बोल, बुढ़े ने हमको बकायदा कंटेंट देता था और हमने मैंने चलाई भी है, हम नहीं बोलूँगी मैंने चलाई भी, मेरे साल दो साल पहले की वीडियोज़ 6 महीने 8 महीने साल भर के पहले की वीडियोज़ जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो थंबनेल में रिकॉर्डिंग्स लिखा हुआ भी है। तो हाँ वही बात है, ये वही औरत थी जो बोल रही थी मेरे पति को तो बहकाया गया है, मेरा पति तो बहुत सीधा है, किसी से बात करते रहे बहुत दिल खोल के अपनापन से बात करते, ओहो उसका पति इतना सीधा कि ऑमलेट जो है ना वो भी पलटना उसको आता नहीं। और अब वही पति को जो है ना वो जलील भी कर रही है, और उसने बोला भी, कॉन्ट्रोवर्सी तो शुरू होगा, उसने बोला भी है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैंने नहीं बोला लेकिन वक्त आने पे बोलूँगी, दैट मीन्स वो व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी करेगी बॉस, इतना तो आप प्रिपेयर हो कि मसाला तो आपको मिलने वाला है, और इससे पहले भी उससे बोला था कि मसाला तो आप लोगों को मिलने वाला है, इतना तो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वही बात होगी ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे धोखले होते हैं, कुछ कुछ लोगों को मैंने सुना, जब मैंने सारा सत्तारी का जो वापस से कॉन्टेंट चालू किया था, मेरे सब्सक्राइबर बोलते अब सारा को मेरे वीडियो क्यों नहीं बना तो बनाओ, तो कुछ कुछ दोगले लोग ऐसे भी बोल रहे थे, तो बोल रहे थे अब सायरा पे वापस चली गई, ऐसा होगा वैसा होगा, वही दोगले लोग सायरा के ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं। तो लोग जो होता है ना इतने दोगले कैसे हो जाते मुझे समझ भी नहीं आता, मतलब कि बगल में छुरा मुंह पे राम, एक ऐसे कहावत है ना वो ऐसा है।
तो ये वही औरत थी जो निके वाली बन रही थी, वो अय्यूब को भोला बना रही थी, दूसरों के कंधे के ऊपर गलतियाँ जो है वो डाल रही थी। अब भाई तुम्हारा भोला पति ने अब कैसे तुमको लात मारा, अब तुम्हारे जो भोले पति है वो किसकी बातों में आए, अब तुम्हारे रिश्ते में दूरियाँ कौन लाए, और अब तुम दोनों को अलग कौन किया, इसका भी जवाब आंटी जी अगर देख रही हो तो देना ज़रूर अपने ब्लॉग में इनडायरेक्ट तरीके से। दिल में मत लेना आंटी जी, मैं आपकी बात ही आपसे पूछ रही हूँ, जो आपने कुछ महीने पहले तक बोला था वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब इस भोले पति को किसने बहकाया। एक्चुअली ये भोला पति जो है ना, इसको आपकी जो असलियत है ना, वो शादी के आपके साथ शादी के 3-4 महीने पहले से उसको पता चल गया था, जो आपके भोला पति ने बहकाया था, मुझे बोला है, बाकियों की बात मैं नहीं करूँगी। लेकिन क्या है ना, आप बहुत तमाशाखोर औरत हो, तमाशबीन हो आप, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, औरंगाबादी लैंग्वेज में बोलते हैं कि तमाशबीन, तो आप बहुत तमाशबीन औरत हो, तमाशा करना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप तो बहुत फाहियत, आप बोलते कि मेरे गाँव के लोग खुद बोलते मेहनत का खाते हैं, जैसे कि मैं हूँ अपने शर्तों पर जीते, आप खुद के मेहनत का खाते हो आंटी जी, 15 लाख, 45 लाख, 75 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 4 लाख, आपको तो याद ही होगा आपने कैसे कैसे मेहनत करके लोगों के पैसे लूट के आपने खाए हैं, ये तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा। तो आप जो है ना, खुद को ये भोले भाले सीधे साधे गांव वालों के साथ कंपेयर ना ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि आप जो है ना कलंक हो इन गाँव वालों के लिए। वैसे तो आपका उस गाँव से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उस गाँव का खून तो आप में दौड़ नहीं रहा है, पता नहीं किसका खून दौड़ रहा है, वो तो आपको ही पता होगा। यूजुअली क्या होता है ना कि बाप अगर हमारे पास ना हो तो बाप का एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है कि मेरा बाप ऐसा दिखता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको पता भी है कि नहीं आपका बाप कैसा दिखता है, ठीक है। क्योंकि हम यूजुअली हम सबको जैसे कि होता है ना कि भाई ये मेरा बाप है, मेरा बाप ऐसा दिखता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये ऐसा है, तो मेरे बाप का भी खैर जो भी है, मेरे बाप का क्यों मैं निकाल लूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बाप माँ बाप के साथ उनका एक रिजेंबलेंस आता है, जैसे मेरी अब्बू का आँखें वगैरह जो भी सारी चीज़ें, लेकिन आपको तो शायद ही आपके बाप कैसा दिखता है वो पता होगा, क्योंकि बहुत सारे कांड करके आपकी अम्मा और आप जो है वहाँ से भागे हो ना, तो वो कांड के पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री होगी। काश वो मसाला भी आप दे देते तो मज़ा आ जाता है। हाँ जो भी है, फाइनली खुशी की बात यह है कि जो हम बोलते हैं भारी की फैमिली और भारे का पति, फाइनली आंटी जी ने वो कबूल तो करा कि भाई ये भारे का फैमिली, क्योंकि अभी आंटी जी को मिर्ची लगी हुई है, इसीलिए बुढ़े को जो है मिर्ची लगा लगा के जो है ना वो अपने रिश्तेदारों के घर में वो क्यों गई, बुढ़े को मिर्ची लगाने गई है, क्योंकि वो बहुत ईगो वाली औरत है, वो मुफ्त में किसी को प्याज के छिलके भी नहीं देती है। वो अगर अपने गाँव गई है ना तो आपको लगता है ऐसे ही गाँव की याद आ रही थी, इतने सालों से गाँव की याद नहीं आ रही थी, आप उसको गाँव की याद आ गई, भाई मुझे अपने घर की याद हर दफा आती है, हर दफा मैं अपने दोस्त अपनी बहनों को बोलती हूँ मुझे घर की याद आ रही, मुझे घर की खाने की याद आ रही, आज मैंने बाप को सपने में देखा, आज मैंने माँ को सपने देखा, लेकिन मेरा सिचुएशन कुछ अलग है, मेरा सिचुएशन अगर दूसरा होता तो मैं कब का निकल जाती, और तुमको अभी याद आ रही गाँव की, इतने साल बाद 6 साल बाद तुमको गाँव की याद आई, जब से अय्यूब से मिली हो तब से आने का मौका नहीं मिला, पहले ब्लॉग में बोलती फिर बोलती ये जो पेट में था 6 साल पहले मैं आके गई थी, तो मैडम जी गांव में तो ऐसे नहीं गई है, मैडम जी वहाँ पे हाँ कोई बकरा हलाल करने, बकरा नहीं बकरी हलाल करने गई होगी, क्योंकि सुना तो मैंने यही था, और बहुत क्लोज वन से सुना था कि उसकी बेटी की अली का जो रिश्ता है वो अपने गांव के लड़की के मतलब खानदान की लड़की के साथ उसकी बातचीत हो रही है, अब वो लड़की पता नहीं कि उस दिन जो उसको घर में इन्वाइट किया था वो है कि कौन है पता नहीं, और साथ ही साथ बुड्ढे को दिखाना था कि देख भाई देख तू सिर्फ मेरा थोड़ी फैमिली, मेरा खुद की भी फैमिली है, हालांकि वो भी आपकी फैमिली नहीं है आंटी जी, और मुझे लगता है कि मामू जान आपके आने के खबर से ही भाग गए होंगे, क्योंकि फैमिली वो होता है ना जिनके सुख दुख में हम काम आते हैं, या फिर जिनके साथ हम टच में रहते हैं, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता थोड़ा, आप मेरे मौसी के बेटे थोड़ी मेरे खून के रिश्तेदार हो, वो थोड़ी हम एक ही खून के, भाई उसका खून अलग है मेरा खून अलग है, खून का रिश्ता कैसे हो, बट आपके जो है ना हर चीज़ में एक आपका जो रहता है ना एक डायलॉग वो प्रोवोकेटिव रहता है, आप चाहती हो शायद कि आपके ऊपर लोग बोले कमेंट करें, इसीलिए आप ऐसी टाइप की बात बोलते हैं, क्योंकि आपके व्यूज़ ड्रॉप हो गए तो आपको व्यूज़ तो आप करना ही, आप कैसे होगा कॉन्ट्रोवर्सी से होगा, ये चीज़ तो आपको बहुत भली बात नहीं पता, तो आप वही चीज़ का जो है ना सहारा लेती हो। चलिए आज का व्लॉग में ही बैंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, दुआ की दरखास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो जरूर शेयर कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।